जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा कर्क राशि का नवंबर का महीना, कैसी रहेगी सेहत नवंबर के महीने में, शिक्षा कैसी रहेगी, लव रिलेशनशिप में कोई समस्या तो नहीं है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, नौकरी और व्यवसाय कैसा होगा नवंबर के महीने में, क्या मनचाही नौकरी मिलेगी, प्रमोशन के योग हैं, विदेश जाना चाहते हैं क्या विदेश योग बन रहा है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका कौन सा उपाय है जो हमें नवंबर में जरूर करना चाहिए। ये सभी प्रश्न कर्क राशि वालों के मन में जरूर आते होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना, तो सबसे पहले जानेंगे गोचर स्थिति, क्योंकि गोचर स्थिति के अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। हमारी जन्म पत्री के ग्रह जब गोचर के ग्रहों के साथ मिलते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं घटती है। तो जानते हैं कर्क राशि की गोचर स्थिति किस प्रकार से है। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, केतु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना, तो शुरुआत करते हैं लग्न से, यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी नवंबर के महीने में। तो यहाँ लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, जो नवंबर के शुरुआत में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। पर चंद्रमा हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो सेहत को लेकर आपको नवंबर के महीने में मिला जुला फल मिलेगा। परंतु यहाँ शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको कमर दर्द, पैरों दर्द और थकान फील हो सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कैसी रहेगी शिक्षा नवंबर के महीने में, तो पंचम भाव से देखेंगे हम शिक्षा कैसी रहेगी। यहाँ पंचम के स्वामी मंगल हैं जो बारहवें घर में गोचर कर रहे हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, कॉन्फिडेंस और कॉन्सेंट्रेशन होगी, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाकर पढ़ने की सोच रहे थे, किसी न किसी कारण कोई अड़चन कोई परेशानी आ रही थी, तो नवंबर में प्रयास करिए, आपका पूर्ण योग बन रहा है विदेश जाकर पढ़ने का। जो लोग CA, CS, IAS, IPS की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है नवंबर का। कैसी रहेगी लव रिलेशनशिप नवंबर के महीने में, तो हम लव रिलेशनशिप भी पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम के स्वामी बारहवें घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने लव रिलेशनशिप को लेके बहुत सतर्क रहेंगे, एक दूसरे की बहुत केयर करेंगे, एक दूसरे को समझकर चलेंगे। यहाँ तक कि घूमना फिरना भी बहुत होगा और विवाह को लेकर विचार विमर्श भी करेंगे कि घर में कब बात करनी है, किस समय विवाह करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका विदेश योग भी बन रहा है। नौकरी या व्यवसाय के जरिए आप बाहर भी जा सकते हैं। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन नवंबर के महीने में, तो सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी या शनि बनते हैं जो सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। एक दूसरे को समझते हुए चलेंगे, एक दूसरे की केयर करते हुए चलेंगे, यहाँ तक कि कैरियर में भी एक दूसरे को हेल्प करेंगे। यदि आप दोनों ही नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। कैसा रहेगा नौकरी और व्यवसाय नवंबर के महीने में, तो यहाँ भाग्य के स्वामी भाग्य में ही गोचर कर रहे हैं। कैरियर के स्वामी बारहवें घर में गोचर कर रहे हैं। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। मनचाही नौकरी अभी तक नहीं मिल रही थी, नवंबर के महीने में मनचाही नौकरी के योग बन रहे हैं। प्रमोशन रुका हुआ था आपका बहुत समय से, नवंबर के महीने में प्रमोशन के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा, यहाँ तक कि वो कोई दूसरा व्यवसाय भी शुरू करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो नवंबर के महीने में पार्टनरशिप को लेकर अच्छे योग बन रहे हैं। परंतु एक बार आप अपनी जन्मपत्री को भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखवा लें, क्योंकि जन्मपत्री में भी पार्टनरशिप के योग आपके अच्छे होने चाहिए। आप यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने की सोच रहे हैं या विदेश में जाकर नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। कैसी रहेगी आपकी धन की और आर्थिक स्थिति नवंबर के महीने में, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, कैरियर आपका अच्छा है, तो धन की और आर्थिक स्थिति नवंबर के महीने में अच्छी है। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्से लेंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ आपको मान सम्मान दिया जाएगा, जॉब कर रहे हैं पूरे पूरे प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
तो कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। कौन सा है वो उपाय जो आपको नवंबर के महीने में ज़रूर करना चाहिए? तो नवंबर के महीने में आपको शिव जी को रोज पंचामृत अर्पित करके सवा मुट्ठी साबुत चावल चढ़ाने हैं। गाय को रोटी पर घी, चीनी और एक सफ़ेद रंग की मिठाई रखकर रोज़ खिलानी है। करिए ये उपाय। ये उपाय करने से आपकी जो मनचाही इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना। हमारा कल का राशिफल सिंह राशि पर होगा। सिंह राशि का कैसा रहेगा नवंबर का महीना? उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।